हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबके लेकर आया हूँ आहूजा का L15 650 MB 650 वाट का स्पीकर। दोस्तों, ये स्पीकर का आप लोग पहले क्लोज लुक देखिए, उसके बारे में हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, इस स्पीकर में आप लोगों को 4 इंची का वॉइस कॉइल मिल जाएगा। दोस्तों, इसका जो सेंसिविटी है 97 पॉइंट है, यानी कि इसका जो आवाज़ मिलेगा आप लोगों को थोड़ा सा स्लो मिलेगा, लेकिन बेस ज़्यादा मिलेगा। ये मिड बेस स्पीकर है। तो दोस्तों, मैं फैजाबाद राजपाल रेडियो के यहाँ गया था, तो वहाँ पर इसका जो प्राइस था इस समय लगभग 9200 रुपया था। आप लोगों को 9500-9000 के बीच में मिल जाएगा। आप लोग अगर लाइफ लॉन्ग स्पीकर लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग ले सकते हैं। इसको मान के चलिए आप लोगों को ये 7-8 साल तो लगभग चल ही जाएगा दोस्तों। बाकी आप लोग लेना चाहेंगे लोकल में लेना चाहते हैं दोस्तों, आप लोग स्काई साउंड, हिल्टन या अन्य किसी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन इसका जो मैग्नेट रहता है थोड़ा सा लो रहता है। आहूजा का मैग्नेट चार्जिंग एकदम बढ़िया क्वालिटी का रहता है, जिससे आप लोगों को 7-8 साल कोई समस्या ही नहीं होगी। अगर आप लोग अपने 15 इंची स्पीकर में लेना चाहते हैं बेस में, तो आप लोग इसको सजेस्ट कर सकते हैं। अगर इसके लिए आप लोग जो एम्पलीफायर लेना चाहते हैं, तो लगभग आप लोगों को 8 ओम पर 650 वाट का जो आउटपुट देता हो या उससे ज़्यादा देता हो, वो एम्पलीफायर लगाएं। अगर 4 ओम पर लगाना चाहते हैं तो उसमें लगभग 1400-1500 आउटपुट का एम्पलीफायर लगाएँ, ताकि इसका परफॉर्मेंस एकदम बढ़िया निकले। और बाकी आप लोग इसको 2 ओम पे चलाते हैं तो लगभग आहूजा LX-A 4500 एम्पलीफायर लीजिए, या 6000 LX-A 6000 भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसका प्राइस जो है LX-A 4500 का लगभग आप लोगों को 51000 करीब में मिल जाएगा, 52000 के करीब में। और बाकी 6000 का जो है लगभग 68000 के करीब में मिल जाएगा। तो आप लोग अपने डीजे सिस्टम में इसको शामिल कर सकते हैं। बाकी आहूजा का प्रोडक्ट आप लोग जानते हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा होता है, टिकाऊ भी होता है। जान लीजिए कि आप लोग एक बार पैसा लगाएंगे तो इंश्योरेंस की तरह रहेगा, काफ़ी दिनों तक चलता रहेगा। बाकी आप लोग नए डीजे वाले हैं तो ये ले सकते हैं। अगर पुराने डीजे वाले हों, आप लोग काफ़ी मार्केट में नाम बना चुके हैं, तो आप लोग लोकल स्पीकर चलाइए, क्योंकि कंपटीशन वगैरह में जाना रहता है तो लोकल स्पीकर कुछ ज़्यादा ही ठीक रहते हैं। ओरिजिनल ले जाना दिक्कत होता है, महंगा भी पड़ता है, और हम लोगों को ढेर सारा स्पीकर लगाना रहता है। और दोस्तों, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोग स्पीकर ले रहे हैं 600 वाट 650 वाट, तो दोस्तों 650 वाट ले रहे हैं तो उसको बजाने के लिए सबसे बढ़िया आप लोगों को कैबिनेट भी मजबूत चाहिए। जैसे कि आपने कोई स्पीकर ले लिया और कैबिनेट आपका मजबूत है नहीं, तो उसका परफॉर्मेंस नहीं निकलेगा। आप सोचेंगे स्पीकर की क्वालिटी ख़राब है, लेकिन ये जो आहूजा 650 वाट स्पीकर है, इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन आप लोगों को लमसम मान चलिए 18mm प्लस प्लाई में उसको बनाइए पेटी, ताकि इसका परफॉर्मेंस एकदम बढ़िया निकले। और जो पेटी की गहराई है, लमसम मान के चलिए आप लोग 20x22 और लंबाई मान के चलिए 36 है, अपने हिसाब से ट्विटर भी उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो आपका कैबिनेट का गहराई हो, थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, तभी इसका परफॉर्मेंस एकदम बढ़िया निकलेगा, बेस बना के निकलेगा। बाकी इसमें मिड में मिल जाता है आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग लेना चाहते तो ले सकते हैं।